ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। গুজরাটের আহমেদাবাদে এক কোভিড হাসপাতালে বিধ্বংসী আগুন, এখনো পর্যন্ত আটজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। মৃতদের মধ্যে পাঁচজন পুরুষ এবং তিনজন মহিলা। কথা বলবো আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি রনক পটেল। রনকজি, জেসে কি জানা যা রা হ্যায় কি 48 পেশেন্টস থে উন কোভিড অস্পতাল মে জহাঁ পে আগ লগি হুই হ্যায়, কেসে আগ লগি অর সভি কো সুরক্ষিত নিকালা গয়া হ্যায়? देखिए 3:30 बजे के आसपास, सुबह में 3:30 बजे आग लगी है। वहां 49 मरीज थे, जिसमें से 8 मरीज ऐसे हैं जो आईसीयू में भर्ती थे, उन्हें जिंदा निकाला नहीं जा पाया, वो अंदर ही मर गए, क्योंकि वेंटिलेशन की सुविधा नहीं थी, प्रॉपर सुविधा नहीं थी। ये वजह रही कि मरीज बाहर नहीं निकल पाए, दम घुट गया, उनकी डेथ हो गई। बाकी जो 41 मरीज है उनके साथ में हॉस्पिटल के एक जो स्टाफ है उनको सरकार के अस्पताल है जो अहमदाबाद नगर निगम की है वहां शिफ्ट किया गया है। कुल मिला के 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 42 लोग इलाज करवा रहे हैं दूसरी जगह पे। एक अहमदाबाद नगर निगम जो निजी अस्पताल होती है उनके साथ टाइप करता है कोविड की ट्रीटमेंट के लिए, उस प्रकार का ही अस्पताल था। अस्पताल के जो संचालक है उनको हिरासत में लिया गया है। अब पूछताछ शुरू हुई है कि फायर ब्रिगेड के पूरे इक्विपमेंट थे या नहीं थे, फायर ब्रिगेड की एनओसी थी या नहीं थी। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का दावा है कि उनके पास एनओसी नहीं थी, जबकि हमारी बात हुई थी संचालकों से अस्पताल के, उनका कहना था कि उनके पास फायर ब्रिगेड की पूरी सुविधाएं भी थी और एनओसी भी थी। बहुत शुक्रिया रौनक जी।